दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच हमेशा तलवार तनी रहती है। इसके पहले जो उपराज्यपाल थे उनसे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार की बिल्कुल भी नहीं पटी। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच चल रही तकरार बुधवार को चरम पर जाती दिखाई। वहीं आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा भी राजनिवास पहुंचे। हालांकि यशवंत सिन्हा को अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। यशवंत सिन्हा ने बताया कि मैं राजनिवास में केजरीवाल से मिलने गया था, जब पुलिस ने हमें बताया कि हम उनसे नहीं मिल सकते। इसके बाद हमने उपराज्यपाल की मिलने की मांग की तो हमें बताया गया कि राज्यपाल ऑफिस में नहीं है। मोदी सरकार पर बरसते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता है। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वे गृह मंत्री तो आदेश देते कि वे चुने गए मुख्यमंत्री से बात करें। SPN 9 News की रिपोर्ट।